नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि। पटना का जू देश के उन 7 जूओं में आता है जो सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन अब बिहार को एक और जू मिलने जा रहा है जो पटना जू से भी कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। जी हाँ, बिहार में अब एक और जू बनने जा रहा है। बिहार के एक जिले में इसके लिए जो प्रस्ताव है वो पारित कर दिए गए हैं और अभी इसका निर्माण कार्य भी जल्द ही पूरा होने वाला है और इस जगह की बाउंड्री भी करके पूरी कर दी जाएगी ताकि बिहार को अब सबसे बड़ा जू ये मिलेगा, क्योंकि इसका जो साइज है वो पटना जू से भी बड़ा होगा। पटना चिड़ियाघर से 136 एकड़ अधिक जमीन पर अररिया में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनेगा। यह प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। बिहार सरकार के द्वारा चिड़ियाघर बनाने के लिए जमीन की अनुमति मिल गई है। यह चिड़ियाघर अररिया जिले के रानीगंज में बनेगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी के मुताबिक सेंट्रल जू अथॉरिटी CTA के द्वारा चिड़ियाघर निर्माण के लिए पहले चरण की अनुमति मिल चुकी है। इसके बाद CJDA की ओर से हॉस्पिटल, क्वारंटीन रूम, फूड स्टोर, पदाधिकारी बिल्डिंग सहित अन्य तरह की सुविधाओं के अलावा विजिटर्स के लिए क्या क्या सुविधा होगी, इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। विभाग की ओर से रिपोर्ट तैयार कर सेंट्रल जू अथॉरिटी को भेजा गया है। आपको बताते चले कि 2022-23 वित्तीय वर्ष में चिड़ियाघर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अररिया के रानीगंज में 279 एकड़ में जंगल फैला हुआ है। इसी बीच में करीब 2.5 एकड़ में तालाब है। तालाब के चारों तरफ जंगल है। तालाब के बीच में 2 टापू भी है। चिड़ियाघर बनने के बाद तालाब में पर्यटकों के बोटिंग करने की सुविधा होगी। इसमें एक साथ 12 से 16 बोट चलाए जा सकेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से पटना के तुलना में अररिया के चिड़ियाघर अधिक बड़ा होगा। जानवर के मामले में पटना देश के 7 चिड़ियाघरों में पटना चिड़ियाघर भी शामिल है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के मुताबिक क्षेत्रफल के हिसाब से अररिया का चिड़ियाघर पटना से अधिक बड़ा होगा। वहीं इस जू के बनने के बाद जानवरों की अदला बदली करने में भी सुविधा होगी। देश के अधिकांश राज्यों में 2-3 की संख्या में चिड़ियाघर हैं। अभी तक प्रदेश में पटना चिड़ियाघर और राजगीर में जू सफारी है। अररिया में जू खुलने के बाद प्रदेश में 2 चिड़ियाघर हो जाएंगे। इससे जानवरों की अदला बदली करने में काफ़ी सुविधा होगी। वहीं आपको बताते चलें कि जू बनाने के लिए रानीगंज वृक्ष वाटिका की बाउंड्री कर दी गई है। बाउंड्री के अंदर अभी 15 हिरण हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रजाति के पेड़ हैं। अररिया में जहां जू बनने का काम जो है वो लगभग शुरू होने के कगार पे है, वहीं बाउंड्री कर दी गई है और जल्द ही अब इसका काम पूरा शुरू होगा, जिसके बाद लगभग ये जू बनकर तैयार होगा, जिससे न केवल बिहार वासियों के लिए ये गौरव की बात होगी कि बिहार में भी अब 3 ऐसे स्थल हो जाएंगे जहाँ पर जानवरों को रखा जाएगा। नालंदा का कह सकते हैं राजगीर में जो जू सफारी बना है वो पहले से ही बिहार की शान को बढ़ा रहा है। वहीं पटना का जू सबसे बड़ा जू माना जाता है बिहार के लिए, वहीं देश के सबसे बड़े जूओं में पटना का जू भी आता है और अब पटना के जू से भी बड़ा जू अब बनने जा रहा है अररिया में। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार के लिए ये कितने गौरव की बात होगी। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि प्रस्ताव तो पारित कर दिया गया है, लेकिन बन के कब तक तैयार होती है ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि बिहार अक्सर कोई भी प्रस्ताव तो पारित हो जाता है लेकिन उस योजना को बनने में या फिर उस कार्य को पूरा होने में सरकार सालों लगा देती है। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।